वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं जो 2000 क्वेश्चंस का हमारा सीरीज है। सो उसमें अभी तक 85 सेट उसके हो चुके हैं, उसके बाद 86 जो सेट है वो आज आप यहां पर देखोगे और इसमें कोशिश करेंगे तकरीबन 50 क्वेश्चंस को कवर अप करने की। अब यहां पर ऑप्शंस को हाइड नहीं करा गया है, रीजन बिंग अब 14 तारीख को देखिए आपका पेपर है। सो उस पेपर से पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप हो जाएं और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो 25 क्वेश्चन इस वाले पीडीएफ के हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, उसके बाद आगे यहां पर देखेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को यहां पर देखते चलिए मेरे साथ में और कोशिश करिए खुद से लगाने की, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सो अब कौन से ईयर है जो जिस तक ये टारगेट को अचीव करना है, तो वो है आपका 2030, यानी कि सन 2030 तक भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 500 गीगावाट कैपेसिटी इसको अचीव करा जाए जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किसे भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने शेवलियर डे ला लेगियन डी होनूर ये जो सम्मान है इसे सम्मानित करा गया है, इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये किसको इससे सम्मानित करा गया है इस सम्मान से, तो वो है आपके किरण नादर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है इसमें कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो वो है आपका 6.3%। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल का ये करंट अफेयर है, सो इसको ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि रिसेंट है ये, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी से निपटने और छत को ठंडा रखने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में कूल रूफ पॉलिसी इसको लॉन्च किया है, तो ये है तेलंगाना की गवर्नमेंट, इसने ये एक नई पॉलिसी लेके आए हैं कूल रूफ पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला ऐसा देश कौन बना है जिसने क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीवी इसके मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है। Which has become the first country in the world to develop a country-level mathematical model to estimate the prevalence of tuberculosis cases? तो सही आंसर क्या है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकारी को GI टैग मिला है, तो ये सही आंसर क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। ये जो बसोहली पेंटिंग है या फिर बसोहली पेंटिंग है ये कहाँ की है एग्जैक्टली आपसे यही पूछा जाएगा, तो याद रखना है ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी केंटा निशिमोतो इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये जो केंटा निशिमोतो हैं ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, यानी कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द न्यू ऑफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इन टू स्पेस, तो सही आंसर क्या है आपका? इसराइल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है, तो सही आंसर क्या है आपका? इंडिया। इंडिया को चुना गया है जो हाईएस्ट यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल बॉडी है उसके लिए फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशियंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में रेलवे ने दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन, इसका ट्रायल किस रूट पर शुरू किया है? तो रूट क्या है आपका? दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर जो है ये वंदे भारत ट्रेन जो है ये चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो 1935 ये ईयर आपको याद रखना है, RBI का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच किसने पाकिस्तानी वायुसेना को अत्याधुनिक वायर कतार अकिंसी मानव रहित लड़ाकू विमान ये जो है इसका पहला बैच दिया है? तो सही आंसर क्या आएगा? टर्की। सो आपसे यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए, ये ना पूछा जाए कि पाकिस्तान को मतलब दिया गया है, ये पूछा जाए कौन सी कंट्री का है ये, ठीक है, ये जो मानव रहित अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, ठीक है, ये कौन सी कंट्री के हैं वायर कतार अकिंसी? तो याद रखिएगा टर्की के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ChatGPT इसको बैन करने वाला पहला पश्चिमी देश ये कौन सा बना है? तो ये है आपका इटली, इटली में बैन करा गया है ChatGPT को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, चीतों के बाद अब 70 कोकीन हिप्पो किस देश से भारत लाए जाएंगे? तो सही आंसर क्या है आपका? कोलंबिया। ये जो कोकीन हिप्पो हैं इनको लाया जाएगा, 70 इन टोटल इनकी संख्या है और कोलंबिया से इनको हिंदुस्तान लेके आया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपना पहला 3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ताइफा 1 इसको लॉन्च करेगा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? केनिया। ये जो ताइफा 1 है ये कहाँ का सेटेलाइट है? केनिया का। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2023 फीफा पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप के मेजबान के रूप में हटा दिया गया है? विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली रिमूव्ड एज द होस्ट ऑफ द 2023 फीफा मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप? तो पेरू को जो है हटा दिया गया है मेजबान के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 अप्रैल 2023 को 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो सही आंसर क्या आएगा? न्यू दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा, इसने डोपिंग के चलते वेटलिफ्टर संजिता चानू पर कितने सालों के लिए बैन लगाया है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 ये किसके द्वारा जारी की गई? तो आंसर, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत रेजा अमेरी को इनको नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ईरान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इसके अनुसार कौन सा राज्य है जो कि न्याय देने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो है आपका कर्नाटक, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 इसका फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका भारत डायनामिक्स, इसके द्वारा किया गया है अमोगा 3, ठीक है, इसका ट्रायल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिकी जो वायुसेनाएं हैं पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार हैं, इस अभ्यास में किस देश को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो कौन सी कंट्री रहेगी कोप इंडिया एक्सरसाइज की, जिसमें इंडिया और अमेरिका की जो वायुसेनाएं हैं वो शिरकत करेंगी? तो सही आंसर क्या है? जापान। जापान यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पंडित रविशंकर की जो 103वीं जयंती मनाई गई, अब ये जो पंडित रविशंकर थे ये किस फील्ड में इनकी महारत थी या फिर किस फील्ड के लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो सही आंसर क्या है? सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में किस राज्य के नगरी दुबराज चावल इसको जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ का है आपका, छत्तीसगढ़ का है। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जीआई टैग जो है कितने सालों के लिए वैलिड रहता है या फिर कितने सालों के लिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ फॉर ऑल, ये जो थीम है इस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 किस दिन मनाया गया, तो सही आंसर 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में फील्ड एम्पायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला कौन बनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि फीमेल से रिलेटेड कुछ भी ट्राइबल से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि बच्चों से रिलेटेड है, तो वो सारे पॉइंट, या फिर दुनिया में पहली बार, या फिर हिंदुस्तान के किसी राज्य में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, मतलब जो पहली बार कोई इवेंट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर किम कॉटन, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये पहली फील्ड एम्पायर के रूप में नियुक्त हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है एज पर द रिसेंट रिलीज्ड रिपोर्ट बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा, बट कौन से ईयर तक ऐसा होगा, तो वो है आपका 2026 तक हिंदुस्तान दुनिया में सेकंड नंबर पर होगा सोलर पीवी मॉड्यूल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की महिला संगठन एफएलओ की 40वीं अध्यक्ष ये कौन बनी है, तो सही आंसर सुधा शिवकुमार। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन मार्च 2023, तो इसमें तजाकिस्तान और अजरबैजान, ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनको WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो ये हैं आपके निखत जरीन। निखत जरीन क्यों फेमस है, कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में धन्या राजेंद्रन, इनको चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो यह है आपका जर्नलिज्म। अच्छा रवीश कुमार को भी हाल ही में सम्मानित किया गया था, कौन से देश में उन्हें यह सम्मान दिया गया था और किसके द्वारा, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है, तो वो हैं आपके 5 क्रिकेटर। अब ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिलने के मामले में 2022-23 में कौन सा शीर्ष राज्य स्थान पर रहा, या फिर कौन सा राज्य जो वो शीर्ष स्थान पर रहा, एग्जैक्टली ये पूछा है यहाँ पर कि विच स्टेट रैंक्ड टॉप इन 2023 इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गेटिंग जीआई टैग, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, केरला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना इसको निरस्त कर दिया है, विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली रिपील्स द लोकतंत्र प्रहरी योजना, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश, इसने इस जो ये योजना थी इसको कैंसिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण कृषि बागवानी फसलों और सुरक्षा के लिए दृश्य योजना इसकी शुरुआत की है, सो एग्ज़ाम में ये मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी फील्ड की ये योजना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से स्टेट के से रिलेटेड है ये योजना, तो दृश्य योजना है आपकी हरियाणा से रिलेटेड, और ये योजना आपका सर्वेक्षण कृषि बागवानी फसलों और उनकी सुरक्षा से एसोसिएटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एप्पल देश में अपना पहला रिटेल स्टोर किस शहर में खोलेगा, इन विच सिटी द एप्पल जो कंपनी है ये अपना पहला रिटेल स्टोर हमारे देश में खोलेगी, तो वो है आपका मुंबई में खोलेगा एप्पल का पहला रिटेल स्टोर। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2023 को पीएम मुद्रा योजना ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसे लॉन्च किया गया था कौन से साल में, 2015, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, इसका ईयर आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस ये कौन से दिन मनाया जाता है, 10 अप्रैल, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द रिसेंटली हेल्ड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन, अब ये जो एक्सरसाइज है ओरियन ये किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया, तो सही आंसर फ्रांस।
अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो ये है आपका कलिकेश नारायण सिंह देव। अगला क्वेश्चन, राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साल 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में डैश प्लेस पर रहा या फिर डैश स्थान पर रहा? तो वो है आपका नाइन्थ प्लेस। टॉप पर कौन सा रहा, कौन सा दुनिया का हवाई अड्डा है जो नंबर वन पे रहा अपनी व्यस्तता के लिए, तो ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने टाइम 100 रीडर पोल में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भैया कोई और नहीं है इसके अलावा, वो है आपके शाहरुख खान, इनको जो है टॉप प्लेस मिला है, ठीक है, टाइम 100 रीडर पोल में। अगला क्वेश्चन, 7 अप्रैल को कौशाम्बी महोत्सव 2023 इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भैया अपने देश में दो ही लोग हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी नंबर वन पे, नंबर टू पे अमित शाह, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा उद्घाटन समारोह में, इन दो के अलावा रेयरली कोई और होता है। तो कभी अगर आपको तुक्का भी लगाना तो आप यहाँ पर ये एक रिस्क ले सकते हैं और इसमें आपको नंबर गेन ही होंगे, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर आप नंबर लूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड द अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन हेल सेकेंड? तो ये है आपकी नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, तो ये जो ड्रोन है इसका नाम हेल सेकेंड है, कहाँ का है आपका, नॉर्थ कोरिया का, ये याद रखना है। इसके बाद 71 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को साल के यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपकी डॉक्टर नित्या इब्राहिम, इनको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य को ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? Which state has recently been awarded for the best performance among the northeastern states in e-procurement? So that is Tripura. अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया, RBI मौद्रिक नीति समिति ने 6 अप्रैल 2023 को नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की है? द RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अनाउंस टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंट ऑन 6th अप्रैल 2023? तो दैट इज 6.5%, ये पहले भी हुई थी, इसको चेंज नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल को जारी फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर एक फुटबॉल टीम ये कहाँ की है बनी है? तो ये है आपका अर्जेंटीना। इसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन हम कवर अप कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर 75 करेंगे और परसों वाले में 100 क्वेश्चन, इस तरीके से अप्रैल का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर कवर अप होगा। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करिए चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वाले वीडियो को तुरंत शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप, जहाँ कहीं आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं तुरंत इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लिंक को शेयर करिए और अपने फ्रेंड से बोलिए जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो करवाया जा रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ 54 feet टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट सारंगपुर टेम्पल इन गुजरात बोटेड डिस्ट्रिक्ट? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया दो ही लोग हैं जो अनावरण करते हैं, उद्घाटन करते हैं, हर जगह फेस लाइमलाइट में रहेगा, या तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह, तो यहाँ पर भी सही आंसर क्या होगा आपका, अमित शाह, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करिए, और जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको एटलीस्ट वीडियो के फॉर्म में ज़रूर सुनिए, अपने कहीं माइक्रो नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।